हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने आइसोनाइट्राइल नाइट्राइल ग्रुप को समझ लिया था। नाउ अब हम यही स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक करके अल्काइल, यहाँ पर नाइट्रो एल्केन के बारे में। अब नाइट्रो एल्केन का मतलब क्या बच्चों? आर एन ओ टू। अब इसका प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहला हम यहाँ पर समझते हैं प्रिपरेशन मेथड, और इसका जो जितने भी बिहेवियर है वो हमने जीओसी में कवर कर लिया है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो एल्केन को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे बच्चों? तो देखो, यहां पर नाइट्रो एल्केन को प्रिपेयर करने का एक सिंपल मेथड है बच्चों। फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था बाय अल्काइल हैलाइड के थ्रू। अल्काइल हैलाइड का मतलब आरएक्स की रिएक्शन अगर मैंने बच्चों AgNO2 के साथ कराई। किसके साथ कराई बच्चों? AgNO2 के साथ। अगर मैंने यहाँ पर आरएक्स की रिएक्शन बच्चों अगर मैंने AgNO2 के साथ करवाई, तो यहाँ पर ये आपका बाहर जाएगा, यहाँ से ये आपका अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? RNO2, और साथ में आपका क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? AgX। क्या आपका बाहर निकल जाएगा बच्चों यहाँ पर? AgX। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर ये आपका इस तरीके से होगा AgNO2 में, ठीक है, AgNO2 में। लेकिन मैं इसी में एक और कंडीशन बता दूँ, अगर RX की रिएक्शन अगर मैं KNO2 के साथ कराऊंगा, तो KNO2 में ये आपका इस तरीके से प्रेजेंस होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पर अल्काइल नाइट्राइड बन जाएगा बच्चों यहाँ पर KX। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों अल्काइल हैलाइड में, और आपके एग्जाम में भी पूछा गया रिएक्शन है। अब हम सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, बताओ? सेकेंड रिएक्शन में हम क्या बोल सकते हैं कि हमको आपको नाइट्रो आपको कौन सा ग्रुप बनाना है? NO2। तो अगर मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने ले लिया CH3 CH2 COOH, सबसे पहले इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया किसके साथ बच्चों? AgNO2 के साथ। जब मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करा, तो ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर CH2 NO2 और COOH। नाउ फर्दर अगर मैं इसको हीट करूँगा, देखो अल्फा बीटा, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा पर कौन सा है बच्चों? बीटा अनसेचुरेटेड है, तो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डीकार्बोक्सिलेट। सेम रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा रखी है हाइड्रोकार्बन में, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। जब ये आपका डीकार्बोक्सिलेट होगा, तो यहाँ से आपका CO2 गैस का रिमूवल होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों साथ में? NO2। इसको मैं सीधा लिखता हूँ CH3NO2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नाइट्रो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड देखा बच्चों, जो कि काफी इजी है। अगर एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो एल्केन। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, यहां पर काफी इजी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो एल्केन। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं बच्चों। यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी बच्चों? सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं रिडक्शन। अगर मैंने रिडक्शन एसिडिक मीडियम में कर दिया, कौन से मीडियम में बच्चों? एसिडिक मीडियम में। देख लेते एग्जांपल, अगर मैंने रिडक्शन आपका एसिडिक मीडियम में कर दिया, वैसे तो मैंने आपको जनरली इसी मीडियम में बताया, तो यहाँ पर ZnHCl के प्रेजेंस में कराया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? NH2, ठीक है। जैसे RNO2 आपका RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने रिडक्शन आपका न्यूट्रल मीडियम में करा दिया, किसके प्रेजेंस में बच्चों? SnCl2 और HCl के न्यूट्रल मीडियम में, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका आर
NHOH, इस टाइप का आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, RNHOH, अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में करा दिया। तो यहां पर ध्यान से समझना बच्चा। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले समझते केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रो एल्केन में रिडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन कराऊंगा तो क्या क्या आपके होंगे बच्चों। यहां पर आपका होगा Fe CH3 COOH के प्रेजेंस में हो जाएगा। एक आपका यहाँ पर किसके प्रेजेंस में हो सकता है बच्चों, और भी कंपाउंड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और एक आपका निकल और H2 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और एक आपका किसके प्रेजेंस में हो सकता है बच्चों, SnHCl के प्रेजेंस में। जब भी आपने यहाँ पर एसिडिक मीडियम में कराओगे तो ये आपका RNO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। इफ वी विल टेक द न्यूट्रल मीडियम, मैंने अगर न्यूट्रल मीडियम ले लिया तो आपका रिएक्शन कैसे होगा बच्चों। देखो, न्यूट्रल मीडियम के प्रेजेंस में हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बच्चों, देखो ध्यान से, ZnNH4HCl, ये अगर होगा मीडियम तो ये आपका न्यूट्रल मीडियम को दिखाएगा, और इसके प्रेजेंस में आपका RNO2, बच्चों RNO2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यहां पर RNHOH इस तरीके की कंपाउंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और यहीं पर मैंने अगर बेसिक मीडियम ले लिया, यहीं पर मैंने अगर बच्चों बेसिक मीडियम ले लिया तो बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। अगर बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में यहां पर RNO2 है, ये आपका किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NOH में, और एक आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNHOH में। दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा। और बेसिक मीडियम में हम क्या लेंगे बच्चों, SnCl2 और HCl। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट के केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन, अब हैलोजन के साथ रिएक्शन हम किस तरीके से कराएंगे बच्चों। अगर मैंने CH3NO2 का रिएक्शन Cl2 के साथ कराया तो यहाँ पर CCl3NO2, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो पिक्रीन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों, क्लोरो पिक्रीन का। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब देखो, नाइट्रो ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से कराएंगे बच्चों, नाइट्रो ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस हमको किस तरीके से कराना है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका हाइड्रोलाइसिस हमको एसिडिक मीडियम में कराना है। कौन से मीडियम में बच्चों, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। अब देखो ध्यान से, अगर मैं RNO2 का हाइड्रोलाइसिस HCl और H2O, या फिर मैं सीधा लिखता हूँ H3O+, HCl और H2O के प्रेजेंस में, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। जब मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाउ अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस अगर मैंने एसिडिक मीडिया में करा दिया तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यहां पर मैंने क्या ले लिया, RNO2। यहां पर अगर नहीं, इसका नहीं, इसका ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं यहां पर RCH2 लिख देता हूँ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैंने RCRCHNO2 का हाइड्रोलाइसिस कराया बच्चों एसिडिक मीडिया में, तो आपका यहां पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR कीटोन। लेकिन अगर मैंने मेरे पास ये कंपाउंड है RRRCNO2, तो इसका एसिडिक मीडिया में मैं हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकता। बस ये रिएक्शन है थोड़े से। अब आपको रिएक्शन की मगप एक बार करनी पड़ेगी, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस उस रिएक्शन को एक बार ध्यान से देख लो। फिर मैं आपको जब कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको इस रिएक्शन के बारे में ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नैफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, नैफ रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछा गया रिएक्शन है बच्चों।
तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। नेफ रिएक्शन, देखो CH3 यहाँ पर CH2 लिखता हूँ, H लिखता हूँ। अब देखो NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो यहाँ से ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बना रहता है, CH2NOH ये आपका बना लेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को टोटोमेराइज्म, टोटोमेराइज्म होगा। ठीक है, जब यहाँ पर आपका टोटोमेराइज्म होगा तो इस तरीके से बनाएगा। नाउ अब मैं इसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा दूंगा, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करा दूंगा तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जब ये आपका यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर O माइनस Na प्लस इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। और जब मैं इनकी इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर ये वाला टूट के एल्डिहाइड बना देगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर अगर R होगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर R होगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, R एल्डिहाइड बना लेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिया कोई कंपाउंड RCRHNO2, फिर से आपका क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, टोटोमेराइज्म होगा। टोटोमेराइज्म होते ही आपका क्या बना लेगा बच्चों, RCR डबल बॉन्ड NOH, और ये आपका इस तरीके से। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कर लेगा। ठीक है, और अगर मैंने इसका H2SO4 के प्रेजेंस में, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कीटोन कंपाउंड में। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा नेफ रिएक्शन। एक दो बार पूछा गया रिएक्शन है बच्चों, नाइट्रो ग्रुप देता है NaOH और H2SO4 लिख के देगा, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसमें आपका कौन सा रिएक्शन है बच्चों, नेफ रिएक्शन है। नेफ रिएक्शन है, काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नाइट्रो एल्केन कंप्लीट किया। नाउ अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, अब हम यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, एनिलीन और डाई डाई एजोनियम सॉल्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो एल्काइल है, एल्काइल वाला प्रोपोर्शन है वो खत्म हो चुका है, अब लास्ट फाइनल बचा है बच्चों एरोमेटिक वाला। अब मैं इसके बाद आपको आपको आज कुछ नहीं करना, आज आपको कंप्लीटली एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है, थॉरली थॉरली आपको कंप्लीटली रिवाइज कर लेना है पूरे ऑर्गेनिक को। और कल से मैं आपको कन्वर्जन की DPP दूंगा, 90 क्वेश्चंस की, 90 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, तो उसमें डेली मैं आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सबको ध्यान रखो, काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच।